आप देख रहे हैं लाइक मी चैनल। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरा चैनल आप लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो वीडियो के नीचे जा कर के लाल बटन को दबाएं और मेरे चैनल लाइकमे को सब्सक्राइब करें। और चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। यूरोपीय रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? फिर से सुने, यूरोपीय रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? यह है कर्नाटक के महावीर रघुनाथन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? यह होगा सत्यपाल मलिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। WHO के उप महानिदेशक के पद पर किसे भारतीय को नियुक्त किया गया है? फिर से देखें, WHO के उप महानिदेशक के पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? यह हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये होंगे वाई सी मोदी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन बनेगा करोड़पति के 9वें सीजन में 1 करोड़ जीतने वाले प्रतिभागी कौन है? फिर से देखें, कौन बनेगा करोड़पति के 9वें सीजन में 1 करोड़ जीतने वाले प्रतिभागी कौन है? यह हो जाएगा जमशेदपुर की अनामिका मजुमदार। देखने अगला क्वेश्चन। सन 2015-16 का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस शास्त्रीय गायक को प्रदान किया गया? ये हो जाएंगे टी एम कृष्णा। देखने अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई? है हिमाचल प्रदेश। यह जाएगा हिमाचल प्रदेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जाएगा बनज देवी को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल लाइकमे को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।